लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? डिफाइन कर रहे थे बाउंड्री ऑपरेशन। क्या होता है बाउंड्री ऑपरेशन? सिंपली एक तरीके का फंक्शन है जो एस क्रॉस एस से एस के बीच में होता है, और जो फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वैसे मैपिंग को, उस टाइप के स्पेशल टाइप के मैपिंग को बाउंड्री ऑपरेशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल भी देखे थे बहुत सारे। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई एस जो है नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार डॉट ओ जो भी है, जैसा कि एक सेट पे एक से ज़्यादा बाउंड्री ऑपरेशन हो सकते हैं, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो वो सेट और बाउंड्री ऑपरेशन को एक साथ लिखते हैं, तो उस टाइप से लिखने का जो फॉर्मेशन होता है पेयर के साथ इस टाइप से, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। या फिर सेट और दो बाउंड्री ऑपरेशन के साथ लिखें, उसको भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही कहेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। अगर लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ओके, आज जो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, क्या होता है ग्रुप, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप देखेंगे। तो ग्रुप का जो मतलब होता है, यहाँ पे समझते हैं। ग्रुप जो है, जैसे रिलेट करते हैं, इसको जी से रिनोट करते हैं इन जनरल, लेट जी भी ये नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार जो है वो क्या है, वी एन बाउंड्री ऑपरेशन, वी एन बाउंड्री ऑपरेशन ऑन जी सच डेट हो चुका है ये बाइनरी ऑपरेशन है। देन देन जी इज कॉल्ड ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसके रिस्पेक्ट में इफ कंडीशन है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इस टाइप से ही बोलते हैं कि अगर जी ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, फिर अभी रहने देते हैं इसको, इफ जो कुछ कंडीशन है, पहला जो है इफ इसको लिखते हैं जी स्टार, फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होगा जी स्टार सेटिस्फाई द फ्लोइंग कंडीशन। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन का जो प्रॉपर्टी होता है उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि जो डेफिनेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन का, उसी को बोला जाता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी जो है वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, जी से। यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब क्या है कि स्टार स्टार बार बार लिखने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। स्टार तो क्या करते हैं, इफ ए स्टार बी, अगर ऐसा दिया हुआ है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, बी वी विल यूज
यूज यूज स्टार या यूज द बाइनरी ऑपरेशन, यूज एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार एच, अगर ए स्टार बी लिखा हुआ तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, समझ रहे हैं? इसमें ए बी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए इंटू बी है, नहीं, ये जो है स्टार छुपा हुआ है, ऐसा समझ रहे हैं, ठीक है? बुक में भी क्या है इसी टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस चीज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कहने का पर्पस ये हो गया, ये जो ए स्टार बी जो है बार बार लिख रहे हैं, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये कह सकते हैं डेट इज करके कि ए बी जो है वो बिलोंग करेगा जी से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मीन्स ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब ये हो। और ये जो प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है, तो वो प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है या क्लोज्ड है। नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि हम लोग तीन कोई भी थ्री एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर ऑल ए बी सी क्या होना चाहिए, ए स्टार बी, या पहले ए स्टार बी करें उसके बाद सी करें, या फिर ए स्टार बी स्टार सी करें। इसको क्या करते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी उसके बाद सी फिर ए बी सी, इस टाइप से। तो हम लोग ये वाला नोटेशन को ज्यादा यूज करेंगे, स्टार स्टार जो है बार बार नहीं देंगे, वो अंडरस्टूड होगा कि हाँ इसका मतलब यहाँ पे छुपा हुआ बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे हो सकता है कि हम लोग आगे जाके प्रूव करते हैं, करेंगे ही, तो प्रूव करते हैं तो वहां पे जो है बार बार स्टार देना टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो सही नहीं दिखता, तो सिंपली ये समझेंगे। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझना है कि दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, नहीं, ये छुपा हुआ है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये जो है इसमें देखेंगे कि फॉर फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, देर एग्जिस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ई, और वो ही बिलोंग कहाँ पे करेगा, जी में, इस टाइप से, सच डेट कि ए ई इक्वल टू क्या दे दे, ए दे दे, या ई ए दे दे, मतलब यह स्टार छुपा हुआ है इसके बीच में, ऐसा हो, और ये सबके लिए हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ऐसे भी लिख दिए फॉर एनी यहाँ पे। तो ये जो एग्जिस्टेंस करे वो क्या हो, सभी के लिए होल्ड करे, ऐसा कंडीशन, ऐसा ई मिलना चाहिए। देन ये जो एलिमेंट है ई, अगर ऐसा मिलता है, देन ई इज कॉल्ड, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ द मैट, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी विथ रिस्पेक्ट टू गिवेन बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन, और आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें क्या है, इसमें है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स, ये क्या है, नोटेशन है, ठीक है, ये नोटेशन है, दिस इज ए नोटेशन। ये जो ए इनवर्स है वो बिलोंग कहाँ पे करेगा, जी में, सच डेट, ऐसा, या फिर इसको ज्यादा प्रॉब्लम होना है तो इसको बी ले सकते हैं कि कोई ए ले रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एक बी मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है कि दोनों का जो कंपोजिशन करते हैं तो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, यानी कि ए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाए, ई,
और या फिर ए इनवर्स ए जो है आइडेंटिटी की को, जब ऐसा सिचुएशन हो जाए देन क्या हो जाएगा, ये जो ए इनवर्स है जो भी एलिमेंट होगा कोई, इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए कह रहा है, ये जो है कोई एलिमेंट है जी का, यानी कि ये चीज क्या है, अलग अलग ए के लिए अलग अलग, ऐसा सिचुएशन होगा कोई भी ये लेते हैं उसके लिए ये अलग आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो ई है ये कंडीशन होल्ड करने के लिए जो ई होगा ये फिक्स है और यहाँ पे वेरी कर रहा है, सभी ए के लिए ये मिलना चाहिए ऐसा ही, जो इस सभी ए के लिए सेटिस्फाई करे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच ए के लिए एक स्पेशल एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो ये कंडीशन होल्ड कर, ठीक है। ओके आगे जो है हम लोग देखते हैं अबेलियन ग्रुप किसको, ये जो प्रॉपर्टी है टोटल का टोटल पांच प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तो वैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रुप का, दिस इज द ग्रुप, ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे अबेलियन ग्रुप में, लेट जी इक्वल टू लेते हैं जेड और डिफाइन करते हैं बाउंड्री पोजीशन, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो चेक करना है, चेक ये जो जी है यानी कि जेड स्टार इज ए ग्रुप है या नहीं, ये चेक करें। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो भी पांच प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये सिंपली ये चेक करना। तो क्या करते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, ग्रुप होना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी ग्रुप सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लेते हैं फॉर एनी ए बी बिलोंग करेगा जेड से, कैपिटल जेड भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर लिखना नहीं चाहते हैं इस टाइप से तो सिंपली जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई लिख सकते हैं, जो भी नोटेशन है वो यूज कर सकते हैं, फॉर एनी ए बी बिलोंग करेगा जेड से, तो हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी जो वो बिलोंग कहाँ पे करता है, प्लस है, तो प्लस बिलोंग करेगा जेड, यहाँ पे प्लस है कंपोजिशन, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार बी जो है वो बिलोंग करेगा जेड, कि ए प्लस बी ए स्टार बी के बराबर, इसको लिख सकते हैं डेट इज करके, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे क्या है, हियर हियर ए बी मीन्स, ए बी का मतलब हो गया क्या, ए ए प्लस बी, दैट इज ए बी का मतलब होता है ए स्टार बी, और ए स्टार बी दिया हुआ है ए प्लस बी, वो चेंज होते रहेगा अपने हिसाब से, तो ये पहला जो प्रॉपर्टी है वो तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी एक्चुअली में कुछ है नहीं, वो तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन का जो प्रॉपर्टी होता है होने के लिए वही है, देख सकते हैं पहला तो होगा ही, नहीं तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि अगर सपोज करते हैं फॉर एनी ए बी सी अगर हम लोग लेते हैं जेड से, तो हम लोग जानते हैं कि चाहे तो ए प्लस बी करें या सी करें या फिर ए प्लस बी प्लस सी करें, ये होता ही है। अब ऐसा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, इस टाइप से ये होल्ड कर रहा है,
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड या जी, जो भी। यानी ये बोल सकते हैं, जब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गया तो ये बोल सकते हैं, या देन ये जो जेड है एज सटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, यानी कि कंपोजिशन जो है ये क्या है, यूजुअल एडिशन इन द सेंस क्या है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरीके का एडिशन करते आ रहे हैं उसकी बात कर रहा है, वही चीज है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चार प्रॉपर्टी टोटल। अबेलियन के लिए पांच प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी ले रहे हैं, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, मान के चल रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा सोचेंगे, देर एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ई बिलोंग्स टू जेड सच दैट, कैसा चाहिए कि ए इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए और ई ए हो जाए। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस ई इक्वल टू ए, ई प्लस ए, और ये सभी ए के लिए होना चाहिए, ये भी माइंड में हो। वैसा कौन सा क्या हो सकता है ई जो ये कंडीशन होल्ड करेगा, ई का क्या वैल्यू होगा, यहां से देख सकते हैं, ये रिटर्न में क्या मिलेगा, जीरो। अगर ई इक्वल टू जीरो लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जो है सभी होल्ड करेगा, तो इसका मतलब अब ये चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसा होगा उस हिसाब से चेंज होते रहेगा। तो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं देन इक्वल टू जीरो, दिस इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन या फिर गिवन कंपोजिशन। तो एडिशन ही है कंपोजिशन, तो लिख देते हैं ऐसे, लिख नए नाम के साथ। उसके बाद हो गया क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन द सेंस क्या हो गया, इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स देखेंगे, ये क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहां पे देखते हैं क्या, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, या इच, यहाँ देखते हैं इच मतलब वन बाई वन, इच ए बिलोंग्स टू जेड देर एग्जिस्ट करेगा क्या ए इनवर्स, ऐसा मान के चल रहे हैं, भले करेगा कि नहीं करेगा वो आगे जाके पता चलता है। तो पहले जो है ये दो प्रॉपर्टी में कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे चाहे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फाइंड करना हो या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फाइंड करना हो, उसमें क्या करेंगे, पहले ही एज्यूम कर लेंगे कि हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है, मिल रहा है मुझे, ठीक है, ओके। जेड से और ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, जेड में, इस तरीके से सच डैट कि ए ए इनवर्स जो है वो ई के बराबर हो जाए, ए इनवर्स ए जो है ई के बराबर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक साथ पूरा, नहीं, ईच वन बाई वन एक एक करके मिलेगा, एक के लिए अलग मिलेगा, जैसे कि यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो ऐसा है, इसलिए चेंज हो चुका है इस टाइप से। अब यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है, ये बोल सकते हैं देन ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए, ये जो है इज द इनवर्स ऑफ ए
इन जेड विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, क्योंकि एडिशन कंपोजिशन बताना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज होते रहता है, कंपोजिशन पे तो डिपेंड करता है ए इनवर्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप से कि अगर ए इक्वल टू लेते हैं 1, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, -1। ये क्या है, इज द इनवर्स ऑफ -1, जो है इनवर्स हुआ क्या 1 का, कैसे विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, कंपोजिशन को यह हो जाएगा यूजुअल एडिशन जो है उसके रिस्पेक्ट में वो इन्वर्स हो जाएगा। एज एग्जाम्पल ये 2 लेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो -3 हो जाएगा, जो भी इंटीजर लेते हैं उसका क्या कर देंगे, नेगेटिव ले लेंगे तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। -2 लेते हैं 1000 पे तो 2 उसका इन्वर्स हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। -1 का इन्वर्स 1, 1 का इन्वर्स -1, तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। और ऐसा प्रॉपर्टी भी है कि अगर ए इनवर्स है, ए इनवर्स ए है, तो इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे क्या होता है, ए के बराबर होता है, उसी टाइप से। क्लियर यहाँ तक, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? हाँ सर, वहाँ पे जो ए का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किए हैं, ऊपर से ले लेंगे कि हमेशा यहाँ पे 0 ही रहेगा? हाँ क्या बोले, फिर से बोले। सर, ए का जो वैल्यू है ऊपर से लिए हैं हाँ या अपना बिल्कुल, मन ऊपर से? से ऊपर यहाँ पे कोई भी हाँ वैल्यू, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, तो वहाँ पुट कर देना है, फोर्थ नंबर इनवर्स वाला में। हाँ बिल्कुल, जो आएगा यहाँ पे, ये जो आएगा उसी को यहाँ रखना। हो सकता है यहाँ पे 1 आए तो यहाँ पे 1 रखना, यहाँ पे 2 आए तो 2 रखना, यहाँ पे जो आए जैसा भी आए, मैट्रिक्स आए, पॉलिनोमियल आए, जो आए जैसा भी है उसी को यहाँ रखना है। इसीलिए तो पहले क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किया जाता है, उसके बाद इन्वर्स करेंगे। अगर आइडेंटिटी मिलेगा ही नहीं तो इन्वर्स की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी का यूज होता है, और वो आइडेंटिटी वही होगा जो पहले वाले प्रॉपर्टी में मिला। ठीक है, और किसी को कुछ? चलो एक डेफिनेशन देखते हैं फिर, अबेलियन ग्रुप। कुछ और भी एग्जाम्पल करेंगे, अभी शुरू हुआ। अबेलियन ग्रुप किसको कहते हैं, तो बस इसमें एक छोटा सा ऐड करना पड़ेगा, ग्रुप का एक स्पेशल फॉर्मेट। अबेलियन ग्रुप इन द सेंस क्या हो जाएगा कि एज्यूम करते हैं, लेट, जैसे कि एक सेकेंड, इसको अभी थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे, ये बोल दिए तो अभी बोले नहीं इसको ना, हेंस ये जो है ये ग्रुप हो चुका है, हेंस जेड प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, ये इज ए ग्रुप, ये है ग्रुप। या फिर ऐसे बोल सकते हैं इस टाइप से, जेड इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। ठीक है, ऐसा एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। आगे चलते हैं, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है कि एक ग्रुप, ग्रुप ही कहलाएगा एबेलियन ग्रुप, लेट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक ग्रुप जी स्टार, जैसे यहाँ स्टार बोल दिए, कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा उसमें, एक ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड कॉल्ड ए एन अबेलियन ग्रुप इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी इक्वल टू हो जाएगा बी स्टार ए। ये हो गया प्रॉपर्टी। इसको क्या कर सकते हैं, डेट इज करके ऐसे लिख सकते हैं,
ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये इम्पोर्टेंट है कि सभी के लिए ऐसा होना चाहिए, और ए बी बी ए मतलब जैसा ये कंपोजिशन रहेगा उसी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉमिटेटिव लॉ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, जैसे ऊपर में देख रहे थे अलग अलग नाम दे रहे थे, इसका नाम क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉमिटेटिव लॉ। यानी कम्यूट करता है एक दूसरे को, ए बी करे चाहे बी ए करे, वो इक्वल को। लेकिन हर एक ग्रुप में ऐसा नहीं होता, जैसे ऊपर वाले में क्या है, ये जो जेड प्लस है क्या ये अबेलियन ग्रुप होगा? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, सिंपल सा है ना, यहाँ पे बोल देंगे। देखते हैं इस टाइप से एग्जाम्पल की अगर बात करना है तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस टाइप से कि जो जेड प्लस है उसमें ये एक ग्रुप है, एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, कोई भी दो इंटीजर लेते हैं तो चाहे तो ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, वो होल्ड करेगा ही। यानी कि ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन ये कॉमिटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसको बोल सकते हैं कि जेड जो है फॉलो कॉमिटेटिव लॉ, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी लॉ बोलते हैं, फॉलो कॉमिटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। और ये ग्रुप भी है और कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है, देयर फॉर ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस जो हो गया दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। और नेक्स्ट एग्जांपल है कि ये जेड माइनस माइनस है, समझ रहे हैं आप, क्या ये ग्रुप होगा? क्या ये ग्रुप है? यस सर। चेक करते हैं क्या है। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता है कि कोई भी ए और बी अगर जेड से लेते हैं तो ए बी जो होगा उसका मतलब होता है ए माइनस बी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ए माइनस बी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, स्टार जो है यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू है ए माइनस बी। तो ये फिर से बिलोंग करेगा जेड में, यानी कि देन जेड जो है इज क्लोज्ड, जेड जो है सेट जेड जो है वो क्या है, क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल सब्सट्रैक्शन, या फिर जो भी है वो बोल सकते हैं ऊपर यूजुअल सब्सट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है, ए बी सी अगर जेड से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी होगा, इसका मतलब होता है ए माइनस बी उसके बाद सी करें, या ए माइनस बी माइनस सी करें, क्या ये सही हो ये प्रॉपर्टी? बोलो क्या लगता नहीं सर, है, ये होल्ड नहीं करेगा, दिस इज नॉट होल्ड, दिस इज
नॉट टू होल्ड फॉर सम एबीसी, सेम क्या, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे लेकिन कम से कम तो मिल ही जाए। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, टेक ए इक्वल टू ले लेते हैं क्या वन, बी इक्वल टू ले लेते हैं टू, तो हो जाएगा -1, और सी इक्वल टू ले लेते हैं क्या थ्री, तो क्या आ जाएगा ये ए बी सी, यानी कि ए बी सी आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 1 -2 -3, यानी कि -1 -4। उसके बाद चलते हैं इधर ए बी सी, ये आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि हो जाएगा 1 -2 -3, ये कितना आ जाएगा -2। तो देख लें यहाँ पे एक इक्वल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किया। यहाँ पे बोल देंगे देयर फोर या देन, सर जीरो होगा, कहाँ पे जीरो होगा, अच्छा -2। माइनस माइनस टू प्लस हो जाएगा जीरो पे, माइनस माइनस प्लस कहाँ पे जीरो हो रहा है, 1 -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये -1 देगा, ये माइनस माइनस प्लस टू आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, यस सर। ये जो जेड है वो क्या हो जाएगा, जेड इज नॉट या डज नॉट या इज डज नॉट फॉलो, एसोसिएटिव, ये जेड है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, किसके रिस्पेक्ट में, लॉ विथ रिस्पेक्ट टू सब्स्ट्रैक्शन, जब कर ही नहीं रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी ही नहीं कर रहा है तो बाकी चेक क्यों करें। देयरफोर जेड माइनस जो है इज नॉट ए ग्रुप, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसको चेक करके लाना है क्या वो ग्रुप है या नहीं है, और कल बताना है, आज दिखते हैं। एग्जाम्पल है क्या, पहला जो एग्जाम्पल है क्या ये आर प्लस जो है वो ग्रुप होगा कि नहीं होगा, क्यू प्लस जो है वो ग्रुप होगा या नहीं होगा, थर्ड जो है आर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप और नॉट, कौन ग्रुप होगा कौन ग्रुप नहीं होगा, और ये हो जाएगा हमारा यूजुअल एडिशन, जो जानते हैं वही एडिशन, सेम चीज यहाँ पे भी फोर में लेते हैं, आर प्लस डॉट क्यू के लिए भी बोल सकते हैं क्या ये क्यू के लिए ग्रुप होता है, यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है, चेक करेंगे इसको। 5 नंबर है एक्सेट, डिफाइन करते हैं आर स्टार डॉट, जहां पे वेयर
बार बार यूजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं, जैसे ये लिख दिए मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख देंगे उसको। वी आर आर स्टार का मतलब जो हो गया, आर में से जीरो को हटा दिया गया, तो ये क्या यूजुअल यहाँ पे है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन यानी कंपोजिशन जो है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन यानी बाइनरी ऑपरेशन जो है। सिक्स में भी उसी टाइप से है, क्यू स्टार डॉट, इसको चेक करना है क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, और वेयर क्यू स्टार का मतलब है क्यू में से जीरो को हटा दिया गया। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि ये जो फर्स्ट वाला जो प्रूफ किए हैं एडिशन वाले, वो पूछ सकता है यहाँ ये ग्रुप होता है या नहीं होता है, उस टाइप से। नेक्स्ट जो है सेवन नंबर, क्या जेड, जेड तो हो चुका है लगभग, नेचुरल नंबर जो है क्या प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है या नहीं होता, ये बताना है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रुप जब तक इकट्ठा नहीं होगा माइंड में, उस चीज को क्या कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि क्या हो रहा है, इस टाइप से वो वर्क कर रहा है। अगला जो है दूसरे टाइप से देख सकते हैं, जैसे अच्छा सर यूजुअल एडिशन एडिशन लिखना है, ठीक है वहां पे एडिशन लिख देते हैं, और ग्रुप जो है देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एडिशन होगा, एडिशन। चलो ओके, फिलहाल के लिए इतना काफी है। एक मैपिंग है, ठीक है उसको देखते हैं, एक एक एग्जांपल है अलग टाइप का, उस एग्जांपल को भी देखते हैं। एक सेट डिफाइन कर रहा है या फिर जी डिफाइन कर रहा है क्या, इस टाइप से जी जो है कलेक्शन ले रहा है कहाँ से, ए से, ठीक है, ए बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, जहाँ ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि द सेट ऑफ ऑल ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है पॉजिटिव रेशनल नंबर से, और स्टार जो है वो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या है, डिफाइन कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए बी बाई टू, यहाँ पे समझना ए बी बाई टू लिखा गया, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, ठीक है ए इंटू बी, और ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जी से जो डिफाइन की, तो चेक करना है देन, या फिर शो करना है देन शो डैट जी स्टार जो ऊपर में डिफाइन किया हुआ स्टार, जी स्टार इज ए ग्रुप, क्या ये ग्रुप होगा, क्या ये अबेलियन ग्रुप भी होगा, तो इसको बोल देते हैं अबेलियन ग्रुप भी होगा, इसको शो करना है, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप, ये शो कर लेंगे। हाँ सर जी एबिलियन ग्रुप के लिए सर ये को प्रॉपर्टी और उस सब ग्रुप का प्रॉपर्टी जोड़ हाँ, ग्रुप का एबिलियन प्रॉपर्टी और एक जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव ला, उसको क्या कर देंगे, चेक कर लेंगे बस। ये वाला क्या है, ये जो लिखा हुआ है ए इंटू, तो ये वाला कौन सा है, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, ये जो है यहाँ पे जो यूज हुआ है यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, ये माइंड में रखेंगे, लेकिन ये स्टार यूजुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं है,
रहता तो ये वाला नहीं रहता ना, सिंपली ऐसे रहता, लेकिन ये क्या है, बाई टू है। तो इसको चेक करना है कि क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है, ऐसे शो करने के लिए बोले तो ग्रुप फॉर्म करेगा ही, तो इसको चेक करना है। ये एक तरीके से होमवर्क जैसा है। जो प्रॉब्लम होगा इसमें फिर मुझे बताना है कि कैसे कर रही है। इसमें से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो भी चीजें है ये सबको फाइन करेंगे। पहला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड जो है क्या करेंगे एसोसिएटिव ला, थर्ड जो है वो क्या करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखेंगे क्या आइडेंटिटी आएगा इसमें, अच्छा सा आइडेंटिटी आएगा मजा आएगा। उसके बाद इन्वर्स फाइंड करेंगे तो एक अलग टाइप का आएगा। उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ लास्ट वाले अबेलियन होने के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ को भी चेक कर लेंगे। टोटल 5 प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप को शो करने के लिए, ग्रुप शो करने के लिए सिर्फ 4 प्रॉपर्टी है। तो ये यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रुप से रिलेटेड, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग